नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। और इस वक्त जब पूरा देश बंगाल और बदलापुर में जिस तरह से महिलाओं पर, बच्चियों पर जो यौन हिंसा हुई, उसको लेकर पूरा देश इस वक्त आंदोलित है। लोग सड़कों पर उतरकर अपनी अपनी तरह से अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा और इन पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच भारत के एक कथित किसान नेता, मैंने शब्द बोला कथित किसान नेता, उस पर कई लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं ये शब्द बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं। इस सब के बीच भारत के एक कथित किसान नेता का एक बेहद शर्मनाक बयान आया है। इस किसान नेता ने यह कहा है कि जो बलात्कार के मामला है, इसको मीडिया लगातार खींच रहा है, दिखा रहा है। इनको इस बात की तकलीफ है कि बंगाल की बच्ची के लिए मीडिया इंसाफ की मांग तक ना करे। इनको इस बात की तकलीफ है कि मीडिया बंगाल और बदलापुर जैसे बलात्कार के मामले उठा रहा है, महिलाओं के लिए सुरक्षा की मांग कर रहा है। इनको मीडिया से इस बात की शिकायत है। लेकिन यह शिकायत दरअसल उनकी कुछ और है। ये जो उन्होंने जो कुछ कहा बंगाल को लेकर के, बंगाल बलात्कार को लेकर के, इनकी असली पीड़ा वो नहीं है। इनकी असली पीड़ा कुछ और है। इनका जो असली दर्द है, असली दर्द वो ये है कि इनके लंबे लंबे भाषणों, लंबे लंबे आंदोलनों के बावजूद देश की जनता ने डेमोक्रेटिक तरीके से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना। क्योंकि इन नेता का, आप समझ ही होंगे मैं जिनकी बात कर रहा हूं, मैं बात राकेश टिकैत की कर रहा हूं, कथित किसान नेता। तो राकेश टिकैत जो है, उन्होंने यह शर्मनाक बयान तो दिया ही कि मीडिया जो है बलात्कार के मामले को लगातार क्यों दिखा रहा है, क्यों बार बार दिखा रहा है। पर उसके बाद इनका असली दर्द छलका और इन्होंने कहा कि भारत में भी जो है लोग गुस्से में हैं और भारत में भी बांग्लादेश जैसा होगा और ये कहां जाएंगे, ये कहां जाएंगे से इनका आशय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, जिन्हें इस देश की जनता ने डेमोक्रेटिक तरीके से वोट देकर, वोट की ताकत से चुना है। ये शर्मनाक बयान राकेश टिकैत का है। और सिर्फ वो इतने पर नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद भी कुछ खुलासे किए। मुझे नहीं मालूम वो खुलासे कितने सही हैं, वो बड़बोलापन राकेश टिकैत का था या फिर दरअसल उन्होंने कुछ खुलासा किया है। लेकिन राकेश टिकैत ऐसा अकेला आदमी नहीं है। इसके पहले राकेश टिकैत ने तो अब ये बयान दिया है, इसके पहले देश में कांग्रेस के कुछ नेता, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता इसी तरह के बयानों को दोहरा चुके हैं कि भारत को बांग्लादेश बनाना है, भारत में भी जो बांग्लादेश में हुआ उससे रिपीट करेंगे। अब बांग्लादेश में क्या हुआ आप ही अच्छी तरह से जानते हैं। बांग्लादेश में शुरुआत जो है छात्र आंदोलन से हुई थी, लेकिन बाद में कट्टरपंथी और विदेशी ताकतों ने इस पूरे आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को पहले देश छोड़ने पर मजबूर किया, उसके बाद हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हुए जो आज भी जारी हैं, अल्पसंख्यक महिलाओं का बलात्कार हुआ जो आज भी जारी है। यूएन ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात को माना है कि अल्पसंख्यक और हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमले हुए हैं। और ये इस देश के कई नेता, कई कथित किसान नेता, कई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कई पत्रकार इस देश को बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हासिल नहीं कर पा रहे। कुर्सी की जो भूख है, सत्ता की जो भूख है, वो इस कदर बढ़ती जा रही है कि जनता वोट इन्हें ना दे, लेकिन इन्हें कुर्सी चाहिए, दिल्ली की सत्ता चाहिए, सत्ता की हवस है,
जो इनसे इस तरह के बयान दिलवा रही है। सत्ता की हवस है जिसके कारण ये भारत को बांग्लादेश बना देना चाहते हैं, भारत में अराजकता दंगे करवाना चाहते हैं। इसलिए मैंने आज अपने शीर्षक में इन तमाम लोगों को दंगाई कहा है और ठोक कर कहा है और बार बार कहूंगा, जो भारत को बांग्लादेश बना देना चाहता है हर ऐसा व्यक्ति इस देश में आम आदमी नहीं है, बल्कि हर ऐसा व्यक्ति दंगाई है, दंगाइयों का समर्थक है। इसलिए मेरा आज का शीर्षक है, दंगाई देखें सपना, बांग्लादेश बने भारत अपना। आज दो टूक में इसी पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले कुछ दंगाइयों के बयान भी आपको सुनवाता हूं। इसलिए सुनवा रहा हूं क्योंकि इन दंगाइयों से आपको सावधान रहने की जरूरत है, देश को इन दंगाइयों से सावधान रहने की जरूरत है। सोचिए, देखिए, इनकी मंशा को समझिए, भांपिए। रेप और हत्या का केस तरह जो उनके ऊपर हो गया, लेकिन पूरे देश में हाईलाइट करना क्या सरकारों को बदनाम करने की साजिश है? भाई रेप और हत्या हुआ उसके लिए कानून है देश में, लेकिन पूरे देश में उसी को ही पिछले 10 दिन से उसको उठाना, बांग्लादेश में तो ये बताएगी नहीं यहाँ की सरकार क्या लग रहा। भाई बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पर काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद हैं, तो यही तो और सोचता है। अब वे सारे बंद हैं, उन्हें भागने कहाँ दिया, हजारे बंद है, यही हाल यहाँ होगा, ये ढूंढे नहीं मिल देंगे। जनता बहुत गुस्से में, ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये इन्होंने बहका दिया कि लाल किले पर चल जाओ, अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आए थे थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निमट जाता केस, ये निमटेगा। चूक चूक रह गई थोड़ी और रहेगी चूक। What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. But whatever is happening in Bangladesh is terrible. It really is terrible. Bangladesh ki sarkar ki galat nitiyon ki wajah se kal Pradhan Mantri Awas mein ghus gayi, Rashtrapati Bhavan mein ghus gayi. याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। ये जो बेरोजगारी है वो बहुत बढ़ चुका है आर्थिक विकास के बावजूद, मतलब वहाँ की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफ़ी एक कंपैरिजन कर सकते हो। ऐसे परिस्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं, लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। तो जो सबक हमें सीखनी है वो ये है कि विकसित भारत बनाना एक चीज़ है, लेकिन वो आज़ाद भारत होगी क्या, वो एक लोकतांत्रिक भारत होगी क्या, एक आज़ाद भारत होगी क्या? तो ये सब सवाल उठते हैं, मैं उनका जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे सवाल उठते हैं और हमें सावधान रहना है। तो नेताओं के कपड़े पहने हुए, नेताओं के भेष में जो दंगाई हैं वो थे जो भारत को बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। इसके अलावा एक लंबी फौज और भी है जिनमें कुछ सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट हैं, कुछ आम आदमी पार्टी, कुछ समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, कुछ ऐसे हैं जो नौटंकी टाइप जो गाना गाते हैं ऐसे लोग। बस मकसद सिर्फ एक है, किसी भी हालत में देश की सत्ता चाहिए और इसीलिए भारत को बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। अच्छा, जहां तक राकेश टिकैत की बात है, वैसे ये भी बता दूं मैं, क्योंकि ताजा बयान राकेश टिकैत का है, उसी संदर्भ में हम आज ये चर्चा भी कर रहे हैं। राकेश टिकैत बेसिकली प्रचार का भूखा एक आदमी है, उस आदमी को हमेशा टेलीविजन पर, अखबारों में अपना नाम छपने की उसकी हवस है, वो हर चीज पर बयान देता है, उसने पिछले दिनों अग्निवीर पर बयान दिया,
उसने पिछले दिनों जब वक्फ बोर्ड आया तब उसने कानून आया तब उस पर बयान दिया, उसने ओलंपिक पे बयान दिया, विनेश फोगाट पे बयान दिया। हर वक्त उसकी आदत है कि बयान देने की, उसको लगता है किसी तरह से मीडिया में उसको सुर्खियां मिल जाएं। लेकिन उसने पिछले जितने बयान दिए थे वो बयान शायद उसको सुर्खियां नहीं दिला सके, और इसलिए उसने सोचा बांग्लादेश पे इस तरह का बयान दिया जाए, बलात्कार पे बयान दिया जाए, कुछ सुर्खियां मिलेंगी। सुर्खियां तो जरूर मिल रही हैं, लेकिन आज हम इस राकेश टिकैत का कच्चा चिट्ठा भी खोलेंगे, आपको इसका असली चेहरा भी दिखाएंगे, क्योंकि हर ऐसे दंगाई का चेहरा देश को जानना समझना जरूरी है जो देश में अराजकता फैलाना चाहता है। हर ऐसे दंगाई से देश को सावधान रहने की जरूरत है, और दो टूक ये जिम्मेदारी लेता है, आपको ऐसे दंगाइयों से, ऐसे आस्तीन के सांपों से लगातार आपको हम सतर्क करते रहेंगे। और आज की चर्चा में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, रुकिए, मैं आपको यह बताना भूल गया कि यह पूरा का पूरा जो मैंने आपको दिखाया यह दरअसल केरोसिन गैंग है, केरोसिन गैंग, और एक केरोसिन मैन भी है। आपको याद होगा एक भारत का केरोसिन मैन ब्रिटेन में जाकर कहता है कि भारत में केरोसिन छिड़का हुआ है, बस एक चिंगारी दिखाने की जरूरत है। आप समझ गए होंगे वो केरोसिन मैन है और ये केरोसिन गैंग है। केरोसिन गैंग मैंने आपको दिखाया, अब जरा केरोसिन मैन को भी सुनिए, सुनिए जरा। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। तो चुनाव में दिया राहुल का बयान था और दूसरा बयान अंग्रेजी में था जो उन्होंने ब्रिटेन में दिया था कि भारत में केरोसिन छिड़की हुई है, सिर्फ एक चिंगारी दिखाने की जरूरत है। इन सब पर चर्चा करेंगे आज दो टूक में, और मेरे साथ आज चार मेहमान दो टूक में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ तुहिन सिन्हा जुड़े हैं बीजेपी से, मेरे साथ सैयद जवाद स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, मेरे साथ चौधरी साबित मलिक जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, और किसान यूनियन और कई किसान संगठन हैं जो अलग अलग नामों से हैं। तो राकेश टिकैत का जो संगठन है वो अलग है, इनका संगठन अलग है, लेकिन ये भी राकेश टिकैत के समर्थक हैं, इसलिए आज मेरे साथ हैं। और अवधेश कुमार जी हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। आज की शुरुआत में साबित मलिक जी, चौधरी साबित मलिक, आपके साथ करना चाहता हूं। पहले एक बड़ा मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं, क्योंकि एक ये इस पूरे बयान में एक खुलासा भी है, मुझे नहीं मालूम आप लोग इससे, आप लोग इस चीज़ से जानकारी आप लोगों को है नहीं है, या ये जो है राकेश टिकैत का कुछ प्लानिंग थी, आप लोगों को मालूम है नहीं मालूम है, मैं नहीं जानता, इसलिए मैं आपसे जानूँ, या फिर आप सब लोगों की एक मिली हुई प्लानिंग थी जो अब तक सामने नहीं आई, जिसका राकेश टिकैत ने खुलासा किया। और उन्होंने कहा कि तैयारी तो 26 तारीख को ही थी, 26 जनवरी को थी, 26 जनवरी को इन्होंने बहका दिया, लाल किले भेज दिया, बहका दिया मतलब इन्होंने किसने, पुलिस ने, और जब जो लोग जिन लोगों ने ट्रैक्टर उसकी परमिशन दी थी। तो राकेश टिकैत कहता है कि 26 जनवरी को बहका दिया, नहीं तो उसी दिन पूरी तैयारी थी, हम लोग संसद जाते और उसी दिन काम हो जाता। तो क्या ये योजना पहले ही थी, जैसा पुन्नू ने भी कहा था कि भारत की संसद पर, उधर तिरंगे का अपमान करना, इधर संसद में जाना और संसद पे जाकर जो है भारत में सरकार गिरा देनी है, भारत में सत्ता पर कब्जा करना, क्या ये पूरा प्लानिंग से हुआ था? आप लोगों को इसकी जानकारी है जो राकेश टिकैत ने जो खुलासा किया? अशोक जी, आप काफी सीनियर पत्रकार हैं और करीब मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय से आप देश के इस प्रतिष्ठित चैनल जो हमारे सरकारी चैनल है उसको देख रहे हैं, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग आपने विपक्षी दलों के लिए और सामाजिक संगठनों के लिए किया मुझे उससे आपत्ति है, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं और आप लोग, आपको हमने उस वक्त भी देखा है जब ये सरकार नहीं थी और ये सरकार दो में थी और ये रोड पर चल रहे थे, तमाम धरने प्रदर्शन कर रहे थे, और ये वही लोग हैं जिन्होंने 50 साल तक तिरंगे को
नहीं अपना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पूर्वज तो वो थे जो छोटी छोटी बातों पर रामायण और महाभारत कर देते थे, लेकिन ये तो गांधी जी थे जो हमको मोमबत्ती पकड़ा गए और आज हम आंदोलन के रास्ते पर हैं और हम भारत के लोकतंत्र को मानते हैं और अहिंसावादी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। और आप दंगई और क्रोसिन मैन और ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे जितने आंदोलन होते हैं वो सब शांतिपूर्वक होते हैं और उनको गांधीवादी तरीके से हम करते हैं। ओके साबित जी, ओके साबित जी, एक मिनट में आपको दोबारा मौका दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपने जो आपत्ति की, डेमोक्रेसी है, आपको आपत्ति करने का अधिकार है। आपने मेरे कार्यक्रम में आपत्ति करी, मैंने आपकी आपत्ति दर्ज की, लेकिन मेरा पक्ष बड़ा साफ है। जो इस देश को बांग्लादेश बनाने की बात कहेगा, मेरी नजर में वो दंगाई है। और मैं आज इसे, सुनिए मेरी बात सर, मेरी बात सुनिए ना सर। तो हाँ। अच्छा, पहली तो बात यह है कि जब आप कोई क्वेश्चन करें हमारा पूरा जवाब ले लें। पिछली बार की तरह निवेदन है कि माइक बंद करके अपनी कहानी ना सुनाए, हम बैठे हाँ, रह जाएं। हाँ ओके, अब आप सुनिए मेरी, अब मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। आपने अपनी बात कही, आपने अपनी बात सुनिए तो सही, मेरी बात सुनिए ना। सुनिए, ये मैं कहानी नहीं सुनाता हूँ इस कार्यक्रम में, पहली बात। अब आप सुनिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। मैं इस कार्यक्रम को, जो आज मेरा विषय है, मैंने सभी मेहमानों को विषय बताया है। जब तक मेरे मेहमान विषय पर बोलेंगे, मैं उनको नहीं रोकूंगा, नहीं टोकूंगा। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, और आप सिर्फ माइक की बात कह रहे हैं, मैं स्टूडियो से भी और मैं प्रोग्राम से भी, अगर विषय से इतर कोई बोलेगा मैं उसको प्रोग्राम से बाहर का रास्ता भी दिखा दूंगा। क्योंकि मुझे लगता है मैंने आज बहुत गंभीर विषय पर आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया है। अगर आप विषय पर बोलेंगे बिल्कुल स्वागत है, आपको पूरा बोलने का मौका दूंगा। अगर आप विषय से इधर उधर कर राम कहानी मुझे सुनाएंगे, महाभारत रामायण सुनाएंगे, तो फिर आप भी जा सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं तो मुझे आपकी आवाज नीची करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ली पसंद नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं सीधे सीधे आप बोलिए, आप मुझे कहिए बदतमीज, आप मुझे कहिए दंगाई, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, तीसरी बार कह रहा हूं, जो इस देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, मेरे लिए वो दंगाई थे, दंगाई हैं, दंगाई रहेंगे। मैं ठोक के उनको दंगाई बोलूंगा। आपको आपत्ति हो तो आप मुझ पर मुकदमा कर दें, आपको आपत्ति हो तो आप मेरे घर जो है गुंडे भेज दें, आप जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन मैं दंगाइयों को दंगाई ही बोलूंगा। अब आप अपनी बात, मैंने जो सवाल पूछा था उस पर आप अपनी बात रखें। देखो अशोक जी, हमने पहले ही बताया कि हम लोग गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं। वो लोग हैं जो लोकतंत्र को दबाना चाहते हैं, जो हमारे लिए कीले ठोकते हैं और हमको रोकना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि कोई आवाज हो तो उसको उठाया जाए? लोकतंत्र का यही मतलब होता है। और उन्होंने जो कहा है वो कहा है कि कहीं भी तानाशाही होगी, आप देख लीजिए, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या कोई और देश हो, अगर कहीं तानाशाही होती है तो लोग उग्र होते हैं और शांतिपूर्वक भी आंदोलन करते हैं और सत्ताएं बदल जाती हैं। मलिक जी, साबित मलिक जी, साबित मलिक जी, मैंने फिर साबित मलिक जी सुनिए, साबित मलिक जी आप सुनिए, आंदोलन करके साबित मलिक जी सुनिए, मैं आपसे साबित मलिक जी सुनिए, साबित मलिक जी सुनिए, आपको ये शिकायत रहती है कि भाई मैं आवाज बंद कर देता हूँ, मेरी वो शिकायत सुनिए। तीसरी बार मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है ना? मैंने अभी तानाशाही वाली बात पे आया नहीं, मैंने तीसरी बार आपसे सवाल पूछा, तीसरी बार सवाल पूछ रहा हूँ। और उसके बाद भी आपका जवाब नहीं आएगा तो मुझे दूसरे मेहमानों के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप बोलते रहेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं चाहूँगा कि मेरे दूसरे मेहमान भी आपकी तरह जो है पूरे आदर के साथ मैंने बुलाया, उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए आपके साथ और मेरी गुफ्तगू अकेली नहीं है, इसलिए मैं तीसरी बार आपको मौका दे रहा हूँ सवाल पूछने का। मैंने सीधा सीधा पूछा कि राकेश टिकैत ने ये खुलासा किया है कि 26 जनवरी को ही पूरी तैयारी थी, वो तो हमको भेज दिया इंडिया लाल किले की तरफ, नहीं तो 26 तारीख को ही हमारी तैयारी थी पार्लियामेंट की तरफ जाने की और उसके बाद देश की सत्ता को पलट देने की। मैंने पूछा आपको ये जानकारी थी, ये राकेश टिकैत की अपनी योजना थी? नहीं, ऐसी कोई किसी संगठनों को जानकारी नहीं थी, ना ही कोई ऐसा उद्देश्य था। शांतिपूर्वक आंदोलन का पहले से तरीका अपनाया गया था, वही तरीका था। और जो उत्तर भी घुसे थे वो पूरी दुनिया जानती है कि वो कहाँ चाय पी रहे थे और कहाँ पर वो मीटिंग कर रहे थे। किसान शांतिपूर्वक आंदोलन पहले भी कर रहा था और आगे भी कर रहा है, अभी भी हमारा आंदोलन लगातार चल रहा है। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे अभी भी शांति से किसान बैठे हुए हैं। ओके ओके, आप लोग शांति से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं उसकी डिबेट में आज नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन जो आपने कहा, इसका मतलब ये है कि साबित मलिक जो किसान आंदोलन में शामिल थे, उनको ये पता नहीं था
कि राकेश टिकैत का क्या षड्यंत्र कर रहे थे। राकेश टिकैत जो षड्यंत्र कर रहे थे उसके बारे में सावित मलिक को नहीं पता था, उसके अलावा इसका मतलब सावित मलिक को नहीं पता था, इसका मतलब बाकी नेता। अब इसके दो मतलब हैं, या तो राकेश टिकैत जैसे बड़बोला नेता है तो बड़बोलेपन में उसने बयान दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़बोले होते हैं, दो बार चुनाव लड़ चुका है राकेश टिकैत। और मैं आज राकेश टिकैत, मैं कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता राकेश टिकैत के लिए, कभी नहीं करता। वो बहुत महान नेता नरेश, वो टिकैत बाबा टिकैत के बेटे हैं, महान नेता। मैं सादर नमन करता हूं बाबा टिकैत को, लेकिन मैं कभी राकेश टिकैत के लिए ऐसी भाषा, लेकिन कल का जो मैंने बयान सुना, मैं मजबूर हूं आज राकेश टिकैत के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल करने के लिए। जो आदमी इस देश की डेमोक्रेसी का, इस देश के संविधान का, इस देश के 140 करोड़ लोग जो वोट से सरकार चुनते हैं उनका आदर नहीं कर सकता, मेरे लिए वो दंगाई है, और इसलिए आज मैं उस भाषा का इस्तेमाल करूँ। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो राकेश टिकैत जो बड़बोला नेता है उसने बड़बोलेपन में कह दिया, हाँ जी, क्योंकि पहले कहा था बक्कल तार देंगे पुलिस के, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो बड़बोलेपन में ऐसा बयान दिया। या दूसरा कारण है कि उसने जो खुद षड्यंत्र बनाया था उसके बारे में बाकी लोगों को जानकारी नहीं दी थी। उसकी योजना थी कि संसद भवन पर जाकर हमला करने की, क्योंकि पहले भी उसने कहा था कि ट्रैक्टर जो है हमारे संसद में जाएंगे, संसद पर चढ़ाई कर देंगे, पहले भी ये राकेश टिकैत ने कहा था। तो योजना दरअसल राकेश टिकैत की थी, जिसके बारे में साबित मलिक और बाकी जैसे किसान नेताओं को पता ही नहीं था। अब ये तो अगर सच बात है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के साथ भी धोखा किया था, छल किया था, जैसे बाकी देश के किसानों के साथ राकेश टिकैत वगैरह करते रहते हैं। लेकिन अब चलिए मैं आ रहा हूँ तुहिन सिन्हा जी के पास। तुहिन सिन्हा जी, ये जो बयान दिया गया मैंने देखा था, और एक मैं आम आदमी पार्टी के नेता को जानता हूँ और जिसका मैंने जिक्र भी किया था, और मैंने उसको खुलकर कहा था कि आस्तीन का सांप है ये, और पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई करी, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, क्योंकि उसने लिखा था कि देश में गृह युद्ध होना चाहिए और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ये राकेश टिकैत को कब तक आप ढील देते रहेंगे? आपकी सरकार कुछ मर्जी बयान दे, पुलिस के बक्कल तार देंगे, 26 जनवरी पे हमने ये नहीं किया, हम संसद भवन में घुस जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आप इसके बड़बोलेपन का कोई इलाज नहीं है क्या? अशोक जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये शब्द जो केरोसिन मैन और केरोसिन गैंग आपने इस्तेमाल किया है, मैं आपके आक्रोश को समझ सकता हूँ, और पूरा देश आज उतना ही आक्रोशित है। मैं उतना ही हैरान हूँ मलिक जी की बातों पर। आपने गौर किया, एक वाक्य उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज तो छोटी छोटी बातों पर रामायण और महाभारत का युद्ध कर देते थे। रामायण का युद्ध क्यों हुआ था? सीता का अपहरण करके उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाया गया था, और महाभारत जो था निरंतर सैकड़ों सालों तक जो है अधर्म हुआ था पांडवों पर। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि ये लोग अधर्म और महिला उत्पीड़न का समर्थन करते हैं। देखिए, जहां तक टिकैत जी की बात है, वो निरंतर जो है प्रोवोक करने का काम कर रहे हैं, और प्रोवोक करने की एक सीमा होती है। हो सकता है कि आज जो है परिस्थिति अनुकूल नहीं लग रही है कि इमीडिएटली उन पर एक्शन लिया जाए, लेकिन यह सरकार जो है निश्चित रूप से एक लॉन्ग रोप देकर वो रस्सी खींचने का काम करती है, इसमें माहिर है। कश्मीर में भी हमने यही किया, 370 जब लागू हुआ उस दिन किसी को नहीं पता चला था, और उसके लागू होने के बाद वहां पूरी की पूरी परिस्थिति, कम से कम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बदल गया। ये जो केरोसिन गैंग और केरोसिन मैन है, लगभग ये देश को जो है निरंतर उकसाने का काम कर रहे हैं। आज से दो सप्ताह पहले शोएब सलाहुद्दीन जो बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने बड़े खुलासे किए, और उसके बाद से कम मैं और भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से स्पष्ट रूप से उत्तर मांग रही है कि क्या उनकी मुलाकात बांग्लादेश में लंदन में खालिदा जिया के पुत्र से हुई थी कि नहीं जुलाई के दूसरे सप्ताह, भी यहाँ 10 दिन के लिए गायब। तारिक रहमान जो बयान आपने सुनाया है, इसी प्रकार के बयान जो है वो निरंतर पिछले 2 सालों से दे रहे थे, तो निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा होता है। और मेरे ख्याल से राहुल गांधी को भी ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उन्हें टिकैत जी के मंसूबों के बारे में पता था। निश्चित रूप से जो है सरकार की जो है पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा, सरकार लंबा रोप जरूर देती है, लंबी रस्सी जरूर देती है, लेकिन खींचने में हमें समय नहीं लगता है, वो बहुत जल्दी हम खींचेंगे। चलिए, ओके, सैयद जवाद, क्या आपको भी लगता है ये जो राकेश टिकैत का जो बयान है, क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयान बड़बोलापन वजह है, या फिर वास्तव में अब बाहर से किसान नेता, अंदर दंगाई है? अशोक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने तो पूरी
एक तरीके से देखा जाए पूरा मोर्चा ही जो है विपक्ष के ऊपर खोल दिया, और आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर आपने जिन शब्दों को लेकर के कहा है बड़े आपत्तिजनक हैं। दूसरी बात, आपके लिए एक बड़ा मशहूर शेर है कि चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, ग़ुलामी की असीरों की यही खास सदा है, और होती नहीं जो कौम हकबात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। अब आपने जो बात कही, आपने सरकार के ऊपर इनडायरेक्ट वे में इतने सवाल खड़े कर दिए, इतने सवाल खड़े कर दिए जो 56 इंच की छाती चौड़ी करने का दावा करते थे, विदेशों के अंदर डंका बजने की बात करते थे, मुझे लगता है डंका फट चुका है, फाड़ दिया बजा बजा करके, क्योंकि उसके अंदर ढोल के अंदर कुछ था नहीं। राकेश टिकैत साजिश कर रहे थे और हमारी इंटेलिजेंस, हमारी सरकार सो रही थी, उसको कुछ नहीं पता था। हमारी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज होती हैं उनको तो पल पल की खबर होती है क्या होने वाला है। आदरणीय गृह मंत्री के पास सारी इंफॉर्मेशन इनपुट होने के बाद सब कुछ होता रहा और मौन बने बैठे रहे, देखते रहे तमाशबीन की तरीके से। वाह भाई वाह, ये तो बड़ा 56 इंच का सीना बड़ा चौड़ा निकल करके आया था, कुछ नहीं पता चला। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा था, फिर 3 कृषि कानून बिल जो लेकर के आए थे तो वापस क्यों कर लिए थे? फिर तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि 56 इंच का सीना मेरा ऐसा है, और जो एक बार कदम आगे बढ़ा दिया और पीछे नहीं हटता है, और मोदी की गारंटी है, और वो ऐसा कर देते हैं वायदे, तो काहे के लिए फिर वापस कर लिया था? क्यों डर गए थे किसान नेताओं से? क्या ऐसी विडंबना थी? बताए ना सरकार आकर के। फिर तो कृषि मंत्री उस वक्त तोमर साहब कुछ और बयानबाजी कर रहे थे, गृह मंत्री जी कुछ और बयानबाजी कर रहे थे, रक्षा मंत्री साहब कुछ और बयानबाजी कर रहे थे, सरकार के अंदर तालमेल नहीं था। और आपको बता दूं कौन सा आंदोलन आपने आज तक देखा कि जिसके अंदर जो है बड़ा शांति? जब भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करती थी तो उसके अंदर नहीं होती थी चीजें, या आपने जेपी आंदोलन को भी देखा होगा, पढ़ा होगा, उस वक्त नहीं होती। तीसरी सबसे बड़ी बात सुनिए, तीसरा बांग्लादेश के इशू के पास आओ। एक मिनट जी, मैंने आंदोलन की तो बात ही नहीं करी, मैंने किसान आंदोलन को लेकर कुछ नहीं कहा जी। मैंने दो चीजों को लेकर आज चर्चा कर रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, और शायद साबित मलिक भी भूल गए थे, आप भी शायद भूल गए होंगे, क्योंकि आप लोग तैयारी करके आते हैं, आपको लगता है कि मंच मिल रहा तो एक भाषण देना, ठीक तो है आप भाषण दे सकते हैं, मैंने आपको बुलाया। लेकिन मैं आज दो मुद्दों पर बहस कर रहा हूँ। एक, क्या राकेश टिकैत ने बड़बोला बयान दिया है क्या? ये सिर्फ बड़बोलेपन का? क्योंकि राकेश टिकैत ने अपने बयान में खुलासा किया कि 26 तारीख को हमने तैयारी कर ली थी। जो तैयारी की थी राकेश टिकैत ने, जिसको आप कह रहे हैं कि पता नहीं चला, वो तो फ्लॉप हो गया, वो तो नहीं कर पाए। राकेश टिकैत ने खुद कहा कि हमने तैयारी कर ली थी, हमें लाल किले भेज दिया, नहीं तो हम संसद में जाकर उस दिन भारत को बांग्लादेश बना देते, ठीक है। तो एक तो ये बात, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कैरोसिन, और आपको आपत्ति हो सकती है, आपकी आपत्ति भी दर्ज है, लेकिन मैं कैरोसिन मैन, ये राहुल गांधी के शब्द हैं, और मैं कैरोसिन गैंग, क्योंकि ये तमाम दंगाई गैंग है। अच्छा। इसलिए मैंने इन शब्दों का अब जवाब ले दूं, अब जवाब दे दूं, जिस कॉन्टेक्स में उन्होंने ये बात कही थी, आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जाते, और पूरा मणिपुर जल रहा है ऐसा, मणिपुर के अंदर हिंसा हो रही लगातार, और क्या क्या घटनाएं नहीं हुई। आप बताइए, जो माननीय गृह मंत्री जी ने मीटिंग ली थी जिसमें बड़े बड़े लोग मौजूद थे, क्या मणिपुर के चीफ मिनिस्टर वहां पे मौजूद थे? और ये बात मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने कही कि ऐसी घटनाएं तमाम हुई हैं जो हमने मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से क्या देखा, बरहना औरतों को जिनके जिस्म पे कपड़े भी नहीं थे, और इस बात को खुद ही डबल इंजन की सरकार के मुख्यमंत्री ने बोली, वहां की गवर्नर भारतीय जनता पार्टी से। आप देखिए उन्होंने क्या बात कही, उस बात को लेकर के सुनिए। राहुल गांधी साहब बहुत संजीदा गुफ्तगु करते हैं, हल्की बात नहीं करते राहुल गांधी साहब। नेता राहुल गांधी का बयान नहीं पढ़ा जो? नहीं, मैंने तो पढ़ा, उसमें मणिपुर का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था। जो उन्होंने कहा, उन्होंने सदन के अंदर बयान दिया, उन्होंने जो लोकसभा की स्पीच सुनी ब्रिटेन में कहा था कि कैरोसिन, उसमें मणिपुर का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था। आपने मणिपुर पर भी भाषण दे दिया, नहीं बिल्कुल, वो भी आप तैयारी के साथ आए थे, कोई बात नहीं, नहीं। अब मैं आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, अब मेरे सवालों का अगर आप जवाब दे सके तो। मैंने पूछा कि क्या भारत को बांग्लादेश बनाना ये दंगाई सोच है कि नहीं? भारत के अंदर बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, और मैं दुआ करता हूं कभी होगी भी नहीं यहां के लोग। और बांग्लादेश के मुद्दे पर साझा अभी सत्ता पर विपक्ष की मीटिंग हुई थी, क्या उसमें तय हुआ जरा बता दीजिए मुख्य दर्शकों को। क्यों ऐसी बातें करी जा रही हैं? क्या विपक्ष ने आपको सहयोग करा नहीं करा? क्यों आपने, जब आपको यह लग रहा था कि आपको फिर देखिए दोहरी नीति मत करिए,
आपको विपक्ष विदेश नीति के ऊपर सपोर्ट कर रहा है और आप विदेश को ही टारगेट, आप अपने विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं, अपने एलओपी को टारगेट कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं, सुनिए सर, मुझे मालूम नहीं, आप लोग मुझे, जब मैं अपने जिन लोगों को बुलाता हूं अपनी डिबेट में, मुझे लगता है कि वो बचपन से ही, क्योंकि आप लोग प्रखर बोलते हैं, प्रखर वक्ता है, मुझे लगता है आप स्टूडेंट भी प्रखर होंगे, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि आप लोगों से एक एक सवाल तीन तीन बार चार चार बार पूछना पड़ता है। अभी देखिए सावित्री मलिक जी को तीन बार सवाल समझाना पड़ा आपको, मुझे मालूम नहीं आप लोग पांचवीं छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं क्लास में कैसे पास हुए थे, क्योंकि आपको पता नहीं, आपके टीचर तो परेशान हो गए होंगे, एक सवाल कितनी बार आपसे पूछे, आप लोगों से पूछते हैं मैथ्स का सवाल, आप लोग आंसर लिखा, आंसर शीट में जो है बायोलॉजी लिखा, एक छोटा सा जवाब, थोड़ा तो मुझे मालूम, मैं छोटा सा बोल दूं, मुझे मालूम नहीं आप लोगों ने अपने टीचर्स पे कितना जुल्म किया, लेकिन मेरे पर जुल्म मत कीजिए, मेरे दर्शकों पर जुल्म मत कीजिए, ठीक है ना। बस मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आऊंगा, डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा फिर निवेदन है कि जो सवाल पूछूं सवाल पर रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी डिबेट होगी। और मैं आज चाहता हूं, अगर आपको लगता है ये दंगाई नहीं है तो साबित करिए दंगाई नहीं है, विपक्ष की मीटिंग में क्या हुआ इसमें, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो आज मीटिंग में आप ये कहो भारत सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन मीटिंग के बाहर आकर कहो कि भारत को बांग्लादेश बनाना है, तो फिर मुझे लगता है आप मीटिंग में एक अलग चेहरा लेकर गए थे, यहां पर दूसरा चेहरा लेकर आ रहे हो, तो जो चेहरा असली चेहरा उस पर चर्चा होनी चाहिए ना। इस ब्रेक के बाद आऊंगा, इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। जमैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर वन पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा, तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए भी नहीं चले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दो टुक आप देख रहे हो, दो टुक आज हम चर्चा कर रहे हैं, दंगाई देखे सपना, बांग्लादेश बने भारत अपना, भारत में ऐसे दंगाइयों की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हो गई है, जो भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि सत्ता नहीं मिली, तीसरी बार सत्ता नहीं मिली, जनता ने ठुकरा दिया, जनता ने वोट नहीं दिए, तो फिर भारत में बांग्ला, भारत को बांग्लादेश बनाकर ही सत्ता हासिल की जाए। और इसी तरह से जो है लगातार ये बयानबाजी पहले भी चल रही थी, कांग्रेस के कई नेता दे चुके थे, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी के कई नेता, कई कार्यकर्ता, कई सोशल मीडिया एक्टिव्स, कई पत्रकार ये लिख रहे थे, और अब राकेश टिकैत ने एक बहुत शर्मनाक बयान दिया, और इसी पर मैं आज चर्चा कर रहा हूँ दो टूक में, कि ये जो कुछ हो रहा है, ये सब जो है, ये जो दंगाई है, ये जो दंगाई सोच के लोग हैं, और एक केरोसिन मैन थे, केरोसिन गैंग है, केरोसिन मैन वो राहुल गांधी, जिन्होंने विदेश में जाकर कहा भारत में केरोसिन छिड़का हुआ है, सिर्फ चिंगारी दिखाने की ज़रूरत है। तो केरोसिन मैन ने जो कहा, केरोसिन गैंग, क्या वो चिंगारी भड़काने की कोशिश कर रहा है कि एक चिंगारी डालें, भारत में आग लग जाए। इसी सब पे चर्चा कर रहे हैं, चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो इंसिना बीजेपी से, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस समर्थक हैं, चौधरी साबित मलिक हैं अध्यक्ष किसान यूनियन के, और अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, ये पूरी की पूरे जो बयानबाजी, ये कौन सी सोच है भाई, ये क्या डेमोक्रेटिक तरीका है, क्या डेमोक्रेसी में जो है, अभी साबित मलिक और शायद ये कह रहे थे कि भाई आंदोलन होता है, आंदोलन किए जाते हैं, तो जब कभी भी इस तरह की चीज़ होती है तो लोगों को अपनी बात इस तरह से रखने का हक है। अशोक जी, ये जो राकेश टिकैत ने जो कुछ कहा, लेकिन यहाँ जो साबित मलिक और आपके साथी और बैठाए हुए हैं अपने सैयद जब्बाद को, ये तो उससे भी ज़्यादा आग लगाने वाली बात कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो ठीक है, वो तो आग लगाना है ये, लेकिन वो तो हमारा अहिंसा है ना, आप विपक्ष को केवल क्यों बता रहे हैं, मणिपुर में प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गए, आग तो लगेगी, बांग्लादेश तो होगा, और आप इनको बार बार सवाल पूछ करके आपने आधा घंटा इन लोगों को समय दिया, बेचारे तो इन सीना 2-2.5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दिए, तो ये आप किसको लाभ पहुंचा रहे हैं। मैंने मुझे मैं एक ऐसे तो
ये जो राकेश टिकैत है या बाकी है, ये इतने बड़े मूर्ख होंगे, मूर्ख इसलिए मैं मूर्ख कहता हूँ कि इनको बांग्लादेश दिखाई नहीं पड़ रहा कि वहाँ क्या हो रहा है। मतलब वहाँ जिहादियों ने, पाकिस्तान समर्थकों ने, भारत विरोधियों ने, मैंने पहली बार जिस महिला ने लोकतंत्र की थोड़ी ठीक ठाक स्थापना की बांग्लादेश में, ऐसे बता रहे हैं जैसे बांग्लादेश में तो लोकतांत्रिक शासन था, शेख हसीना का शासन था। आपको इनको पता नहीं है कि इतने भारत विरोधी हुए कि मनमोहन सिंह ने अपनी यात्रा बांग्लादेश की रद्द कर दी, कि पूरा देश ही जब बांग्लादेश इस समय भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक है और वहां सार्क का सम्मेलन था, मनमोहन सिंह को जाना था, वो नहीं हो गए। तो ये सब आप इनकी बात कर रहे हैं तो भारत विरोधी है और ये दोनों लोग बैठे, मुझे अफसोस हो रहा है। ये देश कैसा है? आप ये ट्विन सिना करें कि हमारी सरकार जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म लेती है, लड़े सरकार तो करे न करे, पांच को भाजपा लोग तो सड़कों पर उतर के बताए कि तू गलत हो। आप सोच रहे हैं कि नहीं होगा, मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश दोहराने की पूरी आधार भूमि इन पार्टियों ने बनाई हुई है, इन संगठनों ने बनाया हुआ है। रोज ये बोलते हैं, इनके विरुद्ध कहीं एक जनता नहीं उतरती है। आप टीवी पर हमारे, आप इनके लोगों को बुलाते हैं, उस बयान का बाएं दाएं ये समर्थन करते हैं और घर में जाके वही बात करते हैं कि बस मोदी का तो उखड़ना तय है, तो डिक्टेटर। और ये नहीं समझ में आया कि भारत की पूरी पॉलिसी को खत्म कर दिया 1971 में भारत ने, जिसको बिठाया, जिसको किया। अब आज पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही है कि हमने उसको खत्म कर दिया, केवल बांग्लादेश को मिला नहीं सकते लेकिन बाकी तो हमारा काम हो गया। तो ये जो ये भारत विरोधी चेहरे हैं, इनको आप दंगाई करें, दंगा तो दो पक्ष में होता है, तो बहुत छोटी सी बात हो गई। अब एक आदमी जो कह रहा है कि बस हम तो हमला करने ही वाले थे संसद में, आप समझिए कि इस देश में इस पर एक आदमी सड़क पर उतरने को तैयार नहीं है। पूरे देश में उबाल है कि पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ, पूरी सरकार अपराधी और माफिया बन करके, मतलब उसके दोषियों को बचाने में लगी हुई है, उसके विरुद्ध आदमी बयान दे रहा है कि भैया हो गया तो कानून से होगा, और एक आदमी सड़क पर उसके लिए उतरने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या आपकी लड़ाई से देश बच जाएगा? ये तो पूरी परिस्थिति बनी है। जिस समय लाल किले पर जो कुछ भी हुआ, उस दिन देश का वातावरण क्या था? डर के मारे 90% तथाकथित जो आंदोलनकारी है तो घर भाग गए थे, कोई नहीं था वहां। राकेश टिकट लो रहे थे, जाने के लिए तैयार थे, लेकिन नैरेटिव ऐसे चला कि उस नैरेटिव ने फिर से इनको बैठा दिया। अंत में सरकार को कृषि कानून वापस लेना पड़ा था। इस नैरेटिव हो रहा है, वो जो बांग्लादेश में दुरुस्त दोहराया गया है, हो सकता है विदेश की शक्तियां वो सब इनको ताकत दे, मिलजुल करके इनके साथ कुछ ना कुछ कराएगा इस देश में। क्योंकि अब इस देश में जो मैं देख रहा हूं, अगर ये मादा होता तो राकेश टिकैत का घर से निकलना अभी तक मुश्किल हो गया होता। ये मल्लिक जी जो टीवी पर बैठे हुए हैं, इनकी हैसियत नहीं होती कि घर से निकाल के आके टीवी पर बैठे, जो कह रहे हैं कि हम तो बात बात पर महाभारत करते हैं और अब तो गांधी जी को मानते हैं। ट्रैक्टर का पैरेट गांधी जी का आंदोलन था कि आपने सारे पुलिस वालों को धक्का दे दिया। एक नेता कह रहा है कि बस हम तो हमला करने वाले थे, आप के बताइए आप किसान के लिए कील ठोकोगे? आप रुकिए रुकिए, सावित्र मलिक जी उनकी बात पूरी होने दीजिए, सावित्र मलिक जी उनकी बात पूरी होने दीजिए, सावित्र मलिक उनकी बात पूरी होने दीजिए, सावित्र मलिक उनकी बात पूरी होने दीजिए। एक मिनट आ रहा हूँ जी, सावित्र मलिक जी को डाउन कीजिए, मैं बीच में ना बोले, बीच में कोई ना बोले, एक एक करके सावित्र मलिक जी रुकिए, सावित्र मलिक जी को डाउन कीजिए। मैंने कहा एक एक करके बोलिए, मैं टाइम दूंगा। चौधरी संबित, मैं सिर्फ उसकी आवाज रोकूंगा जो विषय से इतर इतर बोल रहा होगा और जो दूसरे के ऊपर बोल रहा होगा, सिर्फ उसकी आवाज रोकूंगा। चौधरी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए जी। सारे उदाहरण दे दिए कि राकेश टिकैत कैसे सही है। अब इस प्रकार के नैरेटिव चल रहा है जिसका खंडन करने का किसी को इस देश में अगर हैसियत है, देखिए अवधेश जी, और उसमें अवधेश जी, अवधेश जी जो आप ये इतने बड़े मूर्ख हैं, ओके अवधेश जी, इतने बड़े मूर्ख हैं अखिलेश जी, अवधेश जी, अवधेश जी उसी में जलेंगे, उसी आग में। अवधेश जी सुनिए, अवधेश जी सुनिए, जो आपकी चिंता है वो मेरी भी चिंता है। देश आखिर, एक मिनट रुकिएगा सही जवाब, ये आपकी चिंता है वो मेरी भी चिंता है कि ऐसे लोग जो बोलते हैं, और आपने कहा मैं फायदा नहीं, मैं इन लोगों को एक्सपोज कर रहा हूं। अगर सावित्र मलिक को लगता है कि आज उन्होंने बड़े स्कोर पॉइंट कर लिए हैं ये कहकर कि भाई हम गांधी
हम तो गांधी ने मोमबत्ती पकड़ा दी, नहीं तो हम तो जो है मतलब पता नहीं क्या कर लेते। तो वो ये लोग एक्सपोज कर रहे हैं देश के सामने, और मेरा काम है एक पत्रकार के रूप में एक्सपोज करना। मुझे हैरानी है आज सचमुच जो है मीडिया को, आज राकेश टिकैत की असलियत पूरे देश के मीडिया को देश के सामने लानी चाहिए थी, लेकिन आज मीडिया में भी किसी को भी इस बात का दर्द नहीं है कि आदमी इतनी बकवास करके कैसे बच सकता है इस देश को, इस देश में इतनी जो है मुंह से जो है जहर उगलकर इस देश में आदमी कैसे जो है रह सकता है। और मैंने आज राकेश टिकैत को, मैं तो राकेश टिकैत को भी मंच दे रहा था, मैंने अपने गेस्ट कोऑर्डिनेशन का लाइए 10 मिनट के लिए, उनको बड़ा 1-to-1 करने का शौक है ना, तो मैं आज राकेश टिकैत आते तो मैं आज उनको बताता, 1-to-1 बताता, उनको दिखाता उनकी हैसियत। और मेरे पास इससे पहले मैं आगे बढ़ूं चौधरी साबित मलिक, मेरे पास एक रिपोर्ट है, मैं चाहता हूं देश की जनता को जानना चाहिए। रुकिएगा मैं आऊंगा तुहिन जी एक मिनट, क्योंकि मुझे लगता है ये देश की जनता को जानना चाहिए। राकेश टिकैत कौन है उसके बारे में भी जान लीजिए, जिन लोगों का समर्थन करने वाले वो भी जान ले। ये राकेश टिकैत वो है जिसने राम मंदिर का विरोध किया था, लेकिन ये राकेश टिकैत वो है जो औरंगजेब की मजार पर माथा टेकने गया था। आप समझिए किस तरह का व्यक्ति है। राम मंदिर का विरोध किया, सनातन धर्म को गालियां दी, मतलब सनातन का अपमान किया कि ये मंदिरों में लोग ऐसे जाते हैं, ये होता है, लेकिन उसके बाद औरंगजेब की मजार पर माथा टेकने गया था। ये वो व्यक्ति है राकेश टिकैत जिससे पूछा गया कि आपके आंदोलन में भिंडरवाला की तस्वीर पहन के, टी शर्ट पहन के लोग आए, तो इस राकेश टिकैत ने कहा था हाँ उसे तो लोग संत मानते हैं, मानसिकता देखते रहिएगा। ये वो राकेश टिकैत है जो तब नजर नहीं आया, और साबित मलिक जी भी नजर नहीं आए, मुझे वादा भी किया था, मुझे मालूम नहीं साबित मलिक जी आपने वादा किया था मेरे कार्यक्रम में, अगर आपके पास तस्वीर हो तो मुझे दिखाइए, मैं फ्लैश भी करूंगा। 1200 किसान कर्नाटक में आत्महत्या करी थी, एक किसान नेता वहां नहीं गया। राकेश टिकैत को एक बार चिंता नहीं हुई, क्योंकि वो राकेश टिकैत क्योंकि कांग्रेस के इस वक्त नाम पर राजनीति कर रहा है, इसलिए जो है कर्नाटक में जाता तो उसको जो है जो कांग्रेस से जो सांठगांठ है ना वो फिर धरी रह जाती। ममता बनर्जी का भी आज सपोर्ट इसलिए किया देश के खिलाफ। रुकिए साबित मलिक सुनिए, सच्चाई बोल रहा हूँ, सुनिए, तस्वीर हो तो दिखाइएगा, 1200 किसानों के परिवारों का दर्द आप जानने के लिए गए थे, तो तस्वीर हो तो मुझे भेजिए, मैं अभी चलाता हूँ। और दूसरी बात, ये जो 1200 किसानों की मैंने बात की, और ये पूरा का पूरा जो राकेश जी कहते हैं उनकी एक और कुंडली मेरे पास है। इस व्यक्ति के पास, ये किसानी कितनी करता मैं नहीं जानता, लेकिन इस व्यक्ति के पास देश के 4 राज्यों और 13 शहरों में संपत्ति है, 4 राज्यों और 13 शहरों में संपत्ति। और संपत्ति भी क्या क्या है, शोरूम है, ईंट के भट्टे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों के शोरूम है, लग्जरी गाड़ियों के शोरूम है। और ये इस रिपोर्ट के अनुसार इस राकेश टिकैत की संपत्ति करीब 80 करोड़ रुपए है। देश में एक किसान की जो आमदनी है महीने की वो 7000 रुपए है। इस राकेश टिकैत की, इस मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 80 करोड़ इसके पास संपत्ति है, जबकि 2014 में जब चुनाव हुआ था, सोचिएगा ये भी देखिए, 2014 में जब चुनाव हुआ था और चुनाव के समय जब इनकी जमानत जब्त हुई थी, 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार जमानत जब्त हुई, तब इसने जो अपने संपत्ति का ब्यौरा दिया था 4.5 करोड़ रुपए दिया था, और अब ये मीडिया रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त 80 करोड़ रुपए राकेश टिकैत की संपत्ति है। आप समझ लीजिए इस देश में कौन लोग किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, कौन लोग किसानों के नाम पर जो है मलाई खा रहे हैं, कौन लोग किसानों के नाम पर जो है दुनिया भर से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ये कच्चा चिट्ठा आपके सामने है। तो इंसिना जी आप बोलिए, फिर मैं साबित मलिक जी आपके पास आता हूँ। देखिए अशोक जी, इनकी बातों से बड़ा स्पष्ट हो रहा है, टिकैत जी की बातों से और राहुल गांधी जो बार बार कहते हैं कि केरोसिन छिड़क दिया गया है, आग लग जाएगी देश में अगर भाजपा की सरकार आएगी, कि ये लाशों की राजनीति करना चाह रहे थे। और ये जो भाई साहब बहुत खुल के कह रहे थे कि आपके 56 इंच वाले नेता ने क्या किया, यही किया कि इस देश में एक भी लाश नहीं गिरी। देश को महफूज रखना, यहां की जनता को महफूज करना और इनकी डिजाइन को पूरी तरह से ध्वस्त करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अशोक जी, कि ये लोग जब आपने देखा कि एक तरह से एक पैटर्न के जरिए सब ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश बन जाएगा, बन सकता है भारत भी, पहले सलमान खुर्शीद ने कहा, फिर मणिशंकर अय्यर ने इलेक्शन का ही ब्यौरा दिया कि यहां भी इलेक्शन लगभग फेयर नहीं हुई। जब ये बात करते हैं कि भारत भी बांग्लादेश बन जाएगा, तो क्या ये केवल अनार्की और सरकार पलटने की बात कर रहे हैं या हिंदुओं पर हिंसा की बात कर रहे हैं? क्योंकि इनका इतिहास तो आप भी जानते हैं, ऐसा है कि मुझे लगता है कि जब ये कहते हैं कि बांग्लादेश जैसा बनेगा तो ये निश्चित तौर पर हिंदुओं का उत्पीड़न और हिंदुओं के विरुद्ध हिंसाचार है। तो मेरे ख्याल से अगली बार जब कोई कहे कि भारत में भी बांग्लादेश
जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, सबसे पहले उससे यह स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि क्या वो केवल सत्ता ही पलटने के सपने देख रहा है या हिंदुओं को मारने के सपने देख रहा है। सर, पहले सत्ता पलटेंगे, बाद में हिंदुओं का नरसंहार करेंगे, दोनों ही चीजें। बांग्लादेश का मॉडल तो यही है, पहले सत्ता हथिया लो, उसके बाद हिंदुओं का, अल्पसंख्यकों का नरसंहार करो। बांग्लादेश का टोटल मॉडल तो यही है ना, जमात इस्लामी का और बाकी संगठनों का पूरा मॉडल तो यही है। मैं आ रहा हूँ सैयद जवाद, आ रहा हूँ साबित मलिक आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत आप दोनों के पास आऊंगा। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था, पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में, इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने? ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दो टुक आप देख रहे हैं, दंगाई देखे सपना, बांग्लादेश बने भारत अपना, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। केरोसिन मैन और केरोसिन गैंग की क्या है योजनाएं, क्या है षड्यंत्र? साबित मलिक जी बोलिए। माननीय अशोक जी, मैं कह रहा था आपको एक किसान की संपत्ति तो दिख गई, आपने कभी माननीय देश के गृह मंत्री की संपत्ति का भी उजागर करें कि 2014 से पहले क्या थी और आज क्या है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की पहले क्या थी और आज क्या है? प्रधानमंत्री जी की संपत्ति, प्रधानमंत्री जी की संपत्ति आपको पता कितनी है? प्रधानमंत्री की संपत्ति जो है टिकैत से कम है। इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल से प्रधानमंत्री है और उसकी संपत्ति उसके पास एक गाड़ी भी नहीं। सुनिए सुनिए, अब आपने अच्छा बात, आपने बहुत बढ़िया बात कही, आपने बहुत बढ़िया बात कही। इस भारत के प्रधानमंत्री के पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास अपनी एक गाड़ी नहीं, और जो किसान नेता है उसके पास गाड़ियों का शोरूम है, लग्जरी गाड़ियों का शोरूम है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि किसानों की बड़ी, अरे अगर राकेश टिकैत जैसे किसान देश में है, अगर 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 देश में, मैं तो कह रहा हूं देश का हर किसान राकेश टिकैत जैसा हो, मैं तो कह रहा हूं देश का हर किसान राकेश टिकैत, लेकिन राकेश टिकैत ने यह अकूत संपत्ति कैसे कमाई इसके बारे में बाकी किसानों को भी बता दें। राकेश टिकैत बता दे बाकी किसानों को भी कि 4 करोड़ से 80 करोड़ रुपए कैसे कमाए जाते हैं 10 साल के अंदर। अगर राकेश टिकैत, अगर राकेश टिकैत अपनी ये अपना ये फॉर्मूला बता दे के देश के किसानों को कि 4 करोड़ से 80 करोड़ कैसे पहुंचा जाता है, तो इस देश में किसान संपन्न हो जाएगा, फिर किसी किसान को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी किसान को MSP मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 करोड़ से 80 करोड़ ये फॉर्मूला बता दीजिए सर देश को। अशोक जी, वो 10 लाख का सूट नहीं पहनते। अरे सूट तो छोड़िए ना, सूट कपड़े कौन, अरे 4 करोड़ से 80 करोड़ का फॉर्मूला साबित मलिक, 4 करोड़ से 80 करोड़ का फॉर्मूला बताइए देश को आज, बताइए आज देश को फॉर्मूला बताइए। 4 करोड़ से 80 करोड़, देश के किसानों को बताइए फॉर्मूला, 4 करोड़ से 80 करोड़, 10 साल में कैसे कमाई होती है बताइए। कैसे एक किसान लग्जरी गाड़ियों का शोरूम खोलता है, कैसे एक किसान बैंकेट हॉल खोलता है, ये फॉर्मूला बताइए साबित मलिक, ये फॉर्मूला बताइए देश को आज, बताइए देश के किसानों को साबित मलिक, देश के किसानों को फॉर्मूला बताइए 4 करोड़ से 80 करोड़ कमाने का। देश के किसानों से गद्दारी मत कीजिए साबित मलिक, देश के किसानों से गद्दारी मत कीजिए, देश के किसानों को बताइए कैसे आप जैसे किसान 4 करोड़ से 80 करोड़ कमाते हैं। पूरे देश के किसानों को बताइए, देश के किसानों से गद्दारी बंद कीजिए, बताइए देश के किसानों को, बताइए देश के किसानों को 4 करोड़ से 80 करोड़ की 80 करोड़ का फॉर्मूला बताइए।
बताइए देश को, बताइए देश को, बताइए देश को, बताइए देश को। और एक तस्वीर दिखाइए, आप 1200 किसानों का दर्द जानने गए थे। साबित मलिक चैलेंज कर रहा हूं, एक तस्वीर दिखाइए, आप में से एक भी नेता 1200 किसानों का दर्द जानने के लिए पहुंचा था, एक तस्वीर दिखाइए। आप सब लोग डबल स्टैंडर्ड है, सिर्फ भारत में दंगा करना चाहते हैं, भारत में दंगे करवाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बैठकर सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। आप दंगा ही है, बंद कीजिए दंगाई की आवाज, बंद कीजिए इनकी आवाज, ये दंगा ही है, बंद कीजिए दंगाई की आवाज, ये दंगा ही है जो भारत में दंगा कराना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो 4 करोड़ से 80 करोड़ पे पहुंच जाते हैं और बाकी किसान बढ़ता है, और जो 1200 किसानों ने आत्महत्या की उनका दर्द दे जानने भी नहीं जाते। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बताइए देश के किसानों को कि राकेश टिकैत ने 4 करोड़ से 80 करोड़ कैसे कमाए, वो अगर फॉर्मूला बता दे तो इस देश के किसानों को एमएसपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस देश के किसानों को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राकेश टिकैत एक बार अपना फॉर्मूला बताएं। सही है जवाब, आप आज बड़ा उत्तेजित नहीं, मैं उत्तेजित हूँ, मुझे मेरा खून खोल रहा है। इस तरह से भारत को बंगला जा रहे हद होती है? हम भारत के नागरिक कुछ कहते नहीं, हम भारत के नागरिक इनको नेता मान लेते हैं, हम भारत के नागरिक इनको किसान मान लेते हैं, ये सर पे खड़े होकर डांस करेंगे? नहीं, आज थोड़ा सा, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है सम्मानित, आपका उत्तेजना भी मैं जानता हूँ, पानी पीजिए थोड़ा सुकून से, और मेहमानों को भी थोड़ा सा बोलने का मौका दीजिए। आप फार्मूला पूछ रहे थे कि कैसा फार्मूला है, ये अडानी से फार्मूला जो है ये नहीं पूछा जाता। हो सकता कितने लोगों को रोजगार देता है, बताइए। सुनिए तो, किसान कितने लोगों को रोजगार देता है? नहीं नहीं, इसने किसान कितने लोगों को रोजगार देता है? कितने लोगों को रोजगार दिया बताइए? मैं पूछ रहा हूँ किसान कितने लोगों को रोजगार दिया बताइए? अब आप फार्मूला पूछ रहे, मैंने हो सकता अडानी से पूछा है, मैं तो कह रहा हूँ अडानी 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 की संपत्ति कैसे ऊंची हो गई? फार्मूला जो है, अडानी का फार्मूला किसानों के काम नहीं आएगा, किसानों के काम टिकैत का फार्मूला आएगा कि 4 करोड़ से 10 साल में 80 करोड़। देखिए किसान, इस देश का किसान को ना, इस देश के किसान को अडानी नहीं बनना, अंबानी नहीं बनना, इस देश के किसान को टिकैत बनना है कि 80 करोड़ हो, आपके शोरूम हो, आपको सिर्फ नेतागिरी पटका बांध के पुलिस के बक्कल तारने हैं और बांग्लादेश बनाना है, ऐसे बयान देना हो टेलीविजन पे आना हो, इस देश के किसानों को उतना ही चाहिए। और बल्कि किसान छोड़िए सर, मैं तो कहता हूं मुझे भी वो फॉर्मूला अगर टिकैत जी दे दे तो मेरे जैसे पत्रकार और आप जैसे लोग जो है, हम लोगों का भी भला हो जाएगा। नहीं देखिए, हमें लगता है कि उन्होंने हो सकता है अडानी साहब से फार्मूला सीख लिया हो, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये अडानी, भी हो सकता है, अडानी परिवार से सीख लिया। अरे सुन तो लीजिए, गांधी परिवार से भी फार्मूला ले सकते हैं, क्योंकि गांधी परिवार की भी कितनी संपत्ति है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अच्छा, बिल्कुल हिसाब किताब है और कई बार दे चुके हैं, जब वो फॉर्म भरा जाता है चुनाव लड़ने से पहले तो उसमें अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिर जनता गुमराह हो जाती। लेकिन आप ये कह रहे थे कि अभी किसानों को लेकर के बड़ी बात हो रही थी और अभी भाजपा के बड़े प्रवक्ता साहब बता रहे थे, भाई साहब आपने जो पॉलिसी बनाई थी उसमें 650 किसान से ज्यादा शहीद जो हो गए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक सेकंड, अलाउ मी, जवाब प्लीज, दिस इज प्लीज, मेरे डिबेट में झूठ नहीं। कितने 700 किसानों का फॉर्मूला इन्होंने मुझे लिस्ट दी थी, साबित मलिक बैठे हैं, और अगर आप उस लिस्ट को देखना चाहें मैं अभी आपको ले चलता हूँ, मेरे कमरे में लिस्ट पड़ी है, 2 साल का बच्चा है उसमें, और उसमें और उसमें उसमें वो छोड़ दी, वो पूरा खान मार्केट गैंग की जो थ्योरी है ना, वो चलिए मैं आपको अभी दिखाऊंगा, चलिए अभी दिखाऊंगा, मैं उस पर डिबेट करता, मैं वो पूरी लिस्ट लेके बैठता। अरे भाई अशोक भाई, थोड़ा सा तो बोलने दीजिए, झूठ मत बोलिए ना। अरे वो झूठ बोलिए, मुझे आपने कहा संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, मैंने कुछ नहीं बोला, आप कहेंगे 700 किसान, ये झूठ है, इस देश का सबसे बड़ा झूठ। किसानों की शहादत नहीं हुई, झूठ को बर्दाश्त नहीं, किसानों की कोई शहादत नहीं हुई किसान आंदोलन के अंदर, बिल्कुल आंदोलन में कोई किसान नहीं, सिर्फ 2 किसानों ने आत्महत्या कितने लोग मर गए थे, कौन जिम्मेदार होगा ऐसी पॉलिसीज का, आप बताएंगे मुझे? फिर आप ऐसी योजनाएं लेकर के आए देश के अंदर, अग्निवीर जैसी योजना, अरे अब अवधेश सर, अवधेश सर, जर्नलिस्ट, मैं आपके रिस्पेक्ट करता हूँ, ये देश की जनता, आपने जो बोला वो देश की जनता सुन रही है, मैं जो बोल रहा हूँ देश की जनता बोल रही है। एक मिनट सही जवाब, एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट रुकिए, आपको मौका दूंगा सही जवाब, थोड़ी सी तो आलोचना सरकार की सुन लीजिए, प्लीज एक मिनट रुकिए, प्लीज मेरे पास समय नहीं है, प्लीज सही जवाब 30 सेकंड आपके, उसके बाद 30 सेकंड अवधेश जी के। देखिए जो पॉलिसीज लेकर के आई है सरकार, उसमें आधे ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ है, चाहे किसान की देख लीजिए, चाहे नौजवान की देख लीजिए, चाहे बेरोजगारी को देख लीजिए, फिर अभी आप कोलेटरल इंट्री को लेकर के देख लीजिए। अब आता हूं मैं विदेश नीति के ऊपर सर,
ये जो आप बांग्लादेश का मुद्दा है विदेश नीति से जुड़ा हुआ है और तब के विपक्ष से। तीसरा बांग्लादेश का मुद्दा विदेश नीति से नहीं जुड़ा हुआ। कैसे विदेश नीति? बांग्ला एक देश में जो है, एक देश में जमाते इस्लामी तख्ता पलट कर, वो विदेश नीति से क्या मतलब है उसका? और आप वही मॉडल भारत, इसका कोई नहीं। मैं थोड़ा सा बता दूं रीजन क्या है। अब आप देखेंगे कि हमारे पड़ोस के अंदर, श्रीलंका के अंदर सेम यही होता है और हमें कुछ भी नहीं पता चलता। चाइना का जिस तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमारे जो पड़ोसी थे बदले नहीं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो शब्द थे कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। नेपाल के साथ हमारे रिश्ते खराब हुए, बांग्लादेश के साथ भी खराब हुए, उसके बाद आप देखिए हमारे श्रीलंका के साथ खराब, पाकिस्तान और चीन वो हमारा ऑलरेडी दुश्मन था। हमारी फॉरेन पॉलिसी कहां है? बंद कर दीजिए अवधेश जी का सिर्फ माइक। अवधेश जी 30 सेकंड जल्दी से। देखिए भारत को बांग्लादेश बनाने की बात कौन कर सकता है? और ये दो लोग जो उसका एक प्रकार से समर्थन कर रहे हैं कि जो वहां हो गया यहां हो गया, विदेश नीति करना है, बांग्लादेश हम बना देंगे, ये कौन कर सकता है? ये तो पाकिस्तान कर सकता है ना, ये चीन कर सकता है, ये पाकिस्तान कर सकता है, चीन कर सकता है। और रूस ने एक रिपोर्ट भी दिया है, रूस की एजेंसी ने, कि नरेंद्र मोदी की सरकार को पलटने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। कल ही ये डिटेल रिपोर्ट आई है रूस से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो लोग बैठे हुए हैं, इनको इस बात से खुशी होगी जिस दिन इस देश में आग लगा करके सत्ता पलटे जाएगा, यहाँ के लोगों पर हमले नहीं, देश में ये नहीं होगा कभी। ये कभी नहीं होगा। ओके सर, मेरे पास समय इतना ही, मैं सिर्फ इतना ही अंत में कहूंगा अपने दर्शकों को कि केरोसिन मैन और केरोसिन गैंग से सावधान रहिए, जो भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, ऐसे दंगाइयों से सावधान रहिए। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।